अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार आप सब। इट्स गुफी प्लेज अगेन एंड आज हम रिव्यू करेंगे ये साइबेरिया XV20 हेडफोन्स का। तो बेसिकली जो मेरे पीछे बैठा है मेरा भाई छोटा, ठीक है, इसने लेने थे हेडफोन्स। ठीक है यार, लानत है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। तो कैसे हो आप सब। इट्स गुफी प्लेज अगेन और आज हम करेंगे साइबेरिया XV20 का रिव्यू। ये जो खैर मेरे पीछे बैठा है ये मेरा कज़न, मेरा भाई। पहले ये एफोटेक के हेडफोन यूज़ करता रहा, फिर इसने आज वो ख़राब कर दिए। आज कल ये कर रहा है बड़ी अच्छी वाली हैंड फ्री। कितने की? 15,000 रुपये की हैंड फ्री, ठीक है, जिसमें नॉइज़ कैंसिलेशन सारा कुछ है जो भी होता है, पकड़ो। अच्छा तो वापस आते हैं अपने साइबेरिया की तरफ। तो इसने मुझे कहा कि मेरे पास हैं 4,000 रुपीज़, मुझे चाहिए हेडफोन्स। पहले मैंने सर्च किया लोकल मार्केट में ब्लडी वो कौन सा एक ट्रांसवर्ड वगैरह इस तरह की कंपनीज़ के, टी डैगर और भी कुछ थे छोटे चाइनीज़ कंपनीज़ के, तो वो अवेलेबल थे। बट फिर मैंने हमारा एक ग्रुप है फेसबुक का, पीसी गेमर्स ऑफ पाकिस्तान, बड़ा फेमस ग्रुप है। तो वहाँ पर मैंने एक फ्रेंड की ऐड देखी, वो एक हेडफोन सेल कर रहा था साइबेरिया V20, ये वाले जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसने कहा कि ये 4,000 मुझसे आप ले लो, 4,300 विद शिपिंग। तो हमने ले लिए उससे और अब ये थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं, तो यूज़ में थे तो दैट्स व्हाई वी गॉट इट चीप। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। आरजीबी हेडफोन्स हैं, ठीक है, मैं फीचर्स आपको बता देता हूँ। यूएसबी प्लग है आरजीबी का जो है, 3.5 mm ऑक्सिलरी केबल है, उसके साथ पीसी एक्सटेंशन केबल है जो इसका 1-port to 2-port कन्वर्टर है माइक और हेडफोन के लिए, और इनलाइन कंट्रोल भी है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे एक अच्छे हेडफोन में जो मुझे हमेशा चाहिए होती है वो इनलाइन कंट्रोल होती है, क्योंकि आप माइक ऑन ऑफ जब चाहो वहाँ से कर लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और कम कर लो, ठीक है। ये इसका बॉक्स है, ये शेप भी बहुत प्यारी है और कम्फर्ट लेवल भी इसका बहुत अच्छा है। और ये अगेन इनका फ़ोन बजते हुए, मैंने इसको पहले भी कहा था साइलेंट कर लो बट ही वुड नेवर लिसन टू मी। किधर है भाई? अच्छा ये पड़ा यार। खैर इसको खोलते हैं, ये कोई ओरिजिनल पैकिंग में नहीं, ऑब्वियसली इट्स स्लाइटली यूज्ड, सो ऐसे ही है बस जैसे है। ये है, निकल आ, बहुत जोर का फंसा हुआ था। ओके वेल देख लो भाई, क्वालिटी इसकी आई वुड से 9/10 तो इजीली इस प्राइस में, मतलब 4,000 में और क्या आता है यार 4,000 में। ये मेरा माउस पैड जो है पिछला जो रिव्यू था आपने शायद देखा होगा, वो 3,000 का आया, तो ये तो फिर पूरा हेडफोन है, वो भी आरजीबी साइबेरिया। क्वालिटी इसकी बहुत प्यारी है, मैं अल्फा यूज़ कर रहा हूँ और इसके जो पैड्स हैं ये पैड्स बड़े सॉफ्ट हैं, ये नहीं कि हार्ड पैड्स नहीं हैं जो दर्द करते हैं ना कानों में, आई डोंट थिंक सो कि कानों में दर्द वगैरह करेगा। और ये इसका माइक है, ठीक है, जो कि रोटेट भी हो जाता है प्रॉपरली, फुल ऊपर से नीचे तक बड़ी अच्छे एंगल पे जाता है। एनीवेज ब्रेडेड केबल है, ठीक है, और काफ़ी लेंथी केबल है जो कि अच्छी चीज़ है। इसको प्लग इन करते हैं, सही है, इसका माइक टेस्ट कराता हूँ। हाँ सबसे मजे की बात, 7.1 सराउंड है भाई, 4,000 7.1 सराउंड आरजीबी के साथ। चलो लेट्स गो टुवर्ड्स इट्स माइक टेस्टिंग एंड इसकी खुद भी टेस्टिंग करता हूँ एक। ओके तो ये हेडफोन्स मैंने लगा लिए हैं, साइबेरिया V20 आरजीबी हैं। अच्छा इनका डिज़ाइन भी मुझे मज़े का लग रहा है और बड़े कंफर्टेबल पैड्स हैं इसके। देखें आरजीबी इसकी लाइट है और अच्छी इफेक्ट, अच्छा, और ये एडजस्टेबल भी हैं। लेट मी शो यू, थोड़ा सा इनको ऐसे कर सकते हैं लेफ्ट से फिर राइट से, मतलब काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं, तो ये तो आपके हेड के हिसाब से ईजीली फिट आ सकते हैं। अगर तुम चौड़े मुंह वाले हो जाता तो नो प्रॉब्लम, और मेरे जैसा छोटा मुंह है तो भी नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अभी ये जो जिसने यूज़ करने हैं वो चौड़े मुंह वाले हैं तो उसके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो मुंह देखना चाहेंगे आप उसका तो ये पीछे मेरे साथ है, किधर चला गया ओए सामने आ, अब दिखाएगा नहीं। खैर एनीवेज हम वापस आते हैं इस पे। अब हम इसकी चेक करते हैं नॉइज़ कैंसलेशन, ठीक है। ज़रा कुछ बोलो पीछे से, बोलो ज़्यादा ऊंचा ना बोलो, सस्ते वाले हैं यार थोड़े करना पड़ता है, थोड़ा सा कम बोलो। और पीछे मेरे फ़ैन चल रहे हैं तो
अगर देखते हैं अब इसमें कैसी साउंड आ रही होगी, डिपेंड करता है क्योंकि मैं अभी सुन नहीं रहा, तो आई विल चेक इट, देखते हैं कैसी नॉइज़ कैंसिलेशन है। अपना मैं फ़ोन हेडफोन लगाता हूँ, तो अभी आपको मैं बताता हूँ, मैं इसको सुन के बताता हूँ कि कैसा है इसका, मुझे जो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर लगा वो कैसा है। ओके, तो हम अपने रियल हेडफोन से वापस आ चुके हैं, तो अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा उस हेडफोन के माइक में और इस हेडफोन के माइक में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे मैंने उसका जो अभी रिकॉर्ड किया है उस हेडफोन के साथ, मैंने उसको सुना, ठीक है, बिफोर रिकॉर्डिंग दिस क्लिप, एंड आई रियली लाइक द साउंड। अपना मुझे बड़ा बेहतर लगा उसमें, जो मेरी वॉइस की टोन थी बड़ी नेचुरल सी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। अल्फा का बहुत अच्छा माइक है, नो डाउट, ठीक है, 15,000 के हैं वो, 4,000 के हैं, डिफरेंस भी बहुत है। लेकिन एक बात मैंने जो भी नोटिस की है कि इसका माइक मैं करीब रखता हूँ तो अच्छी क्वालिटी है, लेकिन थोड़ा सा दूर हो तो इसकी क्वालिटी बहुत ड्रॉप हो जाती है। तो पिछली वीडियो जो है वो थोड़ा दूर रख के बनाई है, मतलब पिछली जो पूरी वीडियो चलती आ रही है, तो आपको फील होगा फ़र्क, ठीक है, अभी की वॉइस में, इससे पिछली और उससे पिछली वॉइस में। तो देखा जाए तो वो अपने हेडफोन की उस प्राइस में आई थिंक बहुत अच्छे हैं। इस प्राइस में आपको यूजुअली ब्लडी टी डैगर यही कुछ मिलता है, जो कि आई डोंट थिंक उनकी इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ऊपर से वो जो पेन करते हैं एयर्स में, मैंने ट्राई किए हैं गेमिंग जोन वगैरह में, डिफरेंट, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, ठीक है, स्वेटिंग होती है, माइक नहीं अच्छा। इसी प्राइस रेंज में ये मुझे मिले तो साइबेरिया, ये बहुत अच्छा है। मैंने अपना पीसी गेमर जो पाकिस्तान ग्रुप से ऑर्डर किया, मैंने पहले भी बताया है, उस्मान पारेख हैं, ट्रस्टेड सेलर हैं, उनसे मैंने बाय किया है, एंड प्लस रेप फॉर हेम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक डेट, थैंक यू।